सो ही एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा वीकेंड था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैं निकली सुबह सुबह घूमने। बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रखा था, फिर घूमते घूमते यार बहुत लेट हो गया, तो हम सब ने सोचा कि चलो डोसा ही खाया जाए। तो हम निकले खाने डोसा, और डोसा लोनी डोसा खाया था हम लोगों ने ऑफकोर्स, बट उसके साथ सांभर बिल्कुल भी नहीं था। और विदाउट सांभर डोसा इज़ लाइक यार शिट, बहुत मूड ऑफ था। फिर उसके बाद मैंने दिन भर आराम किया और फिर ना मैं शाम को निकली शॉपिंग करने ऑफ़ कोर्स। और ये मार्केट मेरे घर से बहुत ज़्यादा पास में है, वाकड़ से बहुत ज़्यादा पास में है ये मार्केट। तो मैं ना इसका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं बहुत पहले भी जा चुकी हूँ, बहुत ट्रेंडी पीसेस अवेलेबल होते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। बार्गेनिंग करना पड़ता है, कुछ चीज़ें बहुत महंगी बताते हैं आपको, बट हाँ बार्गेनिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टी शर्ट्स, टैंक टॉप्स, लूज टी शर्ट्स, हर चीज़ अवेलेबल है। और टैंक टॉप्स भी यहाँ पर ना 100, 200, 250 से स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शन के साथ बहुत बहुत प्यारी चीज़ें मिलती है। और यहाँ पे कुछ पार्टी ड्रेसेस भी थे, बट यार ड्रेसेस के हिसाब से ना प्राइस बहुत ओवर हाइप्ड वाली बता रहे थे, एकदम ओवर प्राइस ही बता रहे थे। तो उससे अच्छा ना आप ऑनलाइन ले सकते हो, मैं ऐसा सजेस्ट आपको कर सकती हूँ। क्रोशेट टॉप्स भी अवेलेबल थे और बहुत कुछ। यहाँ पे फॉर्मल शर्ट्स मतलब चेक्स वेक्स वाले शर्ट्स अवेलेबल थे, बट मैंने कुछ शर्ट्स वर्ट्स नहीं लिए, मेरे को इतने शर्ट्स पसंद नहीं है। और यहाँ पे शॉर्ट्स भी अवेलेबल थे 200-300 के रेंज से, लेदर शॉर्ट्स से लेके लेदर स्कर्ट तक सब। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म हील्स सैंडल्स एवरीथिंग वाज अवेलेबल फ्रॉम ₹200-300। और उसके बाद यहाँ पे बैग्स भी अवेलेबल है, लाइक टोट बैग्स, स्लिंग बैग्स, एवरीथिंग। तो मैंने उनको प्राइस नहीं पूछे, बट हाँ बहुत अच्छी दिखाई तो दे ही रहे थे। और यहाँ पे ट्रेंडी ज्वेलरी पीसेस भी अवेलेबल थे फ्रॉम ₹100। मैंने कुछ लिया नहीं है, बट हाँ मैंने पूछा है आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इनरवेयर्स भी अवेलेबल थे। और यहाँ पे ना कुर्ती वाली बहुत सारी शॉप्स है और इतने प्यारे पीसेस है, 300 से लेके फ्रॉम 600 कुर्ता सेट्स भी अवेलेबल है। और घर जाते जाते मुझे देखो क्या दिखने मिल गया। तो यार बापा के आगमन की तैयारी शुरू है, इतना मन खुश हो जाता है ना ये सब देख के। और यार महाराष्ट्र में ना ये जो जल्लोश है बापा के आगमन का, ये कुछ अलग ही मतलब अलग ही होता है। बहुत भीड़ थी यार मार्केट में, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और बापा का आगमन यार ऑफ कोर्स होनी ही चाहिए भीड़। तो ये था मेरा आज का दिन। सो आई एम बैक होम नाउ, मैं जस्ट अभी घर पहुंची हूँ, सामान वामान रख दिया है फ्रेश, मतलब मैं क्या मतलब मेकअप लगा के ही थी, तो सोचा कि इसी पे शूट कर लेती हूँ। एंड आई एम शूटिंग फर्स्ट टाइम इन नाइट, मतलब अगर मैं अपना जुगाड़ दिखाऊँ लाइट का तो आई डोंट नो क्या कहेंगे लोग, बहुत बड़ा जुगाड़ है। क्योंकि जो इतनी ये लाइट पड़ रही है ना, मैं खुद शौक हूँ कि नाइट मोड में ये वीडियो मैं कैसे शूट कर पा रही हूँ। तो मतलब अभी ना मेरी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, वीक ऑफ में अगर टाइम नहीं मिला तो मैं रात में ऐसे शूट वूट कर सकती हूँ यार, कोई टेंशन नहीं है। क्वालिटी वालिटी अच्छी दिखे, आई डोंट नो अपलोड होने के बाद आप तक कैसे पहुँचेगी, ठीक है पहुँचेगी। सो हे एवरीवन, दिस इज़ ऐश्वर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपना इंट्रो बहुत लास्ट में दिया है आज, क्योंकि पहले ही वीडियो आ चुके हैं, मैंने दिन भर क्या किया एंड क्या नहीं ऑल दैट स्टफ। सो आप लोगों ने देखी लेके मैं मार्केट गई थी, मैं उसका प्रॉपर एड्रेस डाल दूंगी क्योंकि मुझे भी वो एड्रेस प्रॉपरली नहीं पता है, उसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जो भी अगर लोकलाइट है पुणे का तो वो लोग जा सकते हैं, वहाँ पे ले सकते हैं। अगर कोई लोकलाइट नहीं है तो ये सारे स्टॉप्स मैं ऑनलाइन ढूंढ के जरूर डालूंगी, सो डोंट वरी। सो विल स्टार्ट अवर वीडियो फ्रॉम अवर फर्स्ट स्टॉप। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मेरे को, फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्डेबल मिली है, क्वालिटी एकदम टॉप क्लास है, और सारी चीज़ें स्टाइल्स भी बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब मैंने बहुत मतलब रैंडमली मिक्स करके लिए सारी चीज़ें, टॉप्स कुर्ती और हाँ बहुत सारा स्टफ। तो मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगी, हाँ तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी एक टैंक टॉप। टैंक टॉप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है बेसिक चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारे टैंक टॉप्स के ऑप्शन अवेलेबल थे, जैसे मैंने प्रीवियस मतलब जो शॉर्ट्स जो मैंने वीडियोस लगा उसमें देख ही लेना। तो वहाँ से मैंने ये टैंक टॉप लिया, टैंक टॉप तो वहाँ से मैंने यह टैंक टॉप लिया है। सो दिस इज़ द टैंक टॉप विच इज़ इन ग्रीन कलर। और ऐसे ना बेसिक चीज़ें चाहिए ही होती है यार, चाहिए ही होती है। और आई थिंक इस पे क्या लिखा है, टोक्यो टॉके दिखा, आई डोंट नो वहाँ पर कैसे पहुँच गया, पर हाँ दिस इज़ द टॉप। और ये मुझे 150 या 170 का ऐसा कुछ पड़ा है, 200 बोल रहे थे वो भैया, बट मैंने बार्गेनिंग किया और मैं बार्गेनिंग में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ।
तो मैं इसे अभी ट्राई करके आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेगा। और जो आज की ट्राई है ना वह मैं सामने ही करूंगी, मैं बैकग्राउंड में शॉर्ट्स लेके नहीं करूंगी। तो हाँ, देखते हैं कैसा लगता है। टडा, सो दिस इज लुकिंग लाइक दिस। तो दिख ही रहा होगा ये मेरी आवाज़ को क्या कह रहा है, दिख ही रहा होगा ये कैसा दिख रहा है। सो आई विल शो यू द होल सिनेरियो। ये एक्चुअली मेरा जो हाई वेस्ट ट्राउजर है मिंत्रा से जो मैंने लिया था, मैंने ये उस पर पहना है, मैं वही पहन के थी अभी तक। सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड दिस लुक्स वेरी गुड मैन। तो मेरी स्ट्रैप्स इग्नोर कर देना प्लीज़, बट ये बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना अच्छा दिखेगा। ऐसे टैंक टॉप्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, रियली इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ऐसे टैंक टॉप्स आर रियली 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 इम्पॉर्टेंट। आप इसे ना ब्लाउज हैक्स में भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे टॉप्स भी पहन सकते हो। इस पर आप श्रग्स भी डाल सकते हो, उस पर आप जैकेट्स भी डाल सकते हो, मतलब बहुत तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हो। और यार मेरे पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आई जस्ट लव दिस कलर, आई जस्ट लव द लुक, आई जस्ट लव हाउ इट लुक्स ऑन मी, आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस। बहुत ही ज़्यादा मस्त एकदम। मैं ज़्यादा डोले शोले तो नहीं दिख रहे, मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ ना, नहीं ठीक है। सो दिस इज़ वेरी गुड। इसकी प्राइस थी 150, 170। मैं अभी ले गई हूँ, मुझे कैसे आनी है 170। इसके मैं प्राइजेस स्क्रीन पर लगा दूंगी, एक सेकेंड। तो मैं ऐसे टैंक टॉप्स और जमाने वाली हूँ, ये बहुत अच्छे से काम आते हैं। ब्लाउज एक्स में बहुत अच्छे से काम आते हैं, क्योंकि लास्ट जो मैंने साड़ी वीडियो शूट किया था ना, उस टाइम पर मुझे ब्लाउजेस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसीलिए ना ऐसे टैंक टॉप्स में भी जमा करना शुरू कर दूंगी। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस। तो अगर इसका मुझे कहीं भी रेफरेंस पिक्चर या फिर कहीं रेफरेंस इसका मिलता है, लाइक मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं भी, तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, तो आप बेझिझक वहाँ से खरीद लेना। और ट्राई करूंगी कि इसी रेंज प्राइस में आपको मिले, तो मैं डाल दूंगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉप विच इज इन येलो कलर, और आज येलो कलर थोड़ा ज़्यादा होगा, सो प्लीज बेयर विद दैट। सो दिस इज द टॉप, सो दिस इज द टॉप। ये भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इसको पीछे से ऐसे इलास्टिक है। या दिस इज द टॉप। और गेस व्हाट, हाँ गेस व्हाट, क्या मैं कह रही हूँ, इसकी प्राइस मैं लास्ट में बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई हाउ दिस लुक्स ऑन मी, उसके बाद हम इसे जज करेंगे। ओवरऑल कलर एकदम ही प्रिटी है, पैटर्न इज एकदम प्रिटी, और इसमें ना ऐसे पैडिंग भी दी हुई है। तो अगर किसी को अंदर का सामान नहीं पहना है, ब्रावा नहीं पहनी है, तो दैट्स अप टू यू गाइस। ट्राई करके आती हूँ और दिखाती हूँ कि ये हाथ से ज़्यादा मेरे पे कैसा लग रहा है। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग ऑन मी। ये इतना यार, मतलब ये कलर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और ये पैटर्न इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना प्यारा दिखेगा, मैंने यही सोचा था कि मुझे फिट नहीं आएगा। बट करने से पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि ओवरऑल कैसा दिख रहा है। ओके, सो लेट्स सी। Oh my god, this looks so cute, man. So cute. Please ignore this part. मैं पूरा ओवरऑल दिखाना चाह रही थी कैसा दिख रहा है। This is looking very cute, very elegant और very 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 sexy यार। Sexy मतलब क्या बोलोगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना मैं इसे ही पहन के मतलब ना शूट करूँ। भाई क्या चॉइस है मेरी। और इसे आप वाइट प्लाजो पे भी पहन सकते हो, मैंने ब्लैक कलर के ट्राउजर्स पहने, आप उस पर भी पहन सकते हो। हाँ, तो इसके मैं प्राइस बता दूंगी अभी जस्ट। तो इसकी प्राइस है ₹250 ओनली, और ये सेम ये मीशो पर है अवेलेबल। इसके बहुत सारे कलर्स भी है, जब मैंने देखा था लास्ट टाइम तब था मीशो पे, मेरा मन किया था कि मैं ऑर्डर करना चाहूंगी, पर फिर पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। तो थैंक गॉड ये मुझे आज वहाँ लोकल मार्केट में मिल गया। और माय गॉड, आई जस्ट कांट इमेजिन हाउ प्रिटी दिस इज लुकिंग मैन। सो 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 प्रिटी, मैं मतलब बोलना बंद नहीं कर पाऊंगी, ये इतना प्यारा लग रहा है। तो मतलब हाथ से ज़्यादा ना मेरे पे अच्छा दिख रहा है। आई नो बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, पर ओके, इतना सुंदर होने का हक तो मुझे है। बहुत बेकार एक्टिंग करती हूँ मैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। एंड प्लीज़ इग्नोर अगर कुछ बैकग्राउंड से वॉइस आती है, क्योंकि खाना बनाना चल रहा है, तो थोड़ा प्लीज़ ना बेयर विद दैट। सो अवर नेक्स्ट स्टॉप इज इन ब्लैक कलर।
तो ये मैंने इस पे शूट किया है ऑलरेडी, एक वीडियो मैंने शूट किया था इसके बारे में, मैंने कुछ बताया नहीं था। तो मैंने ये उसी मार्केट से लिया था, पर मेरे पास ऐसा कोई स्टफ नहीं था उस मार्केट से बहुत रिलेटेड, तो मैंने इसे अभी तक नहीं दिखाया। तो मसाले की खुशबू आ रही है एकदम। तो दिस इज़ दी टॉप जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। इसकी ये ऐसी स्लीव्स है, आई डोंट लाइक दिस स्लीव्स। और ये आपने मेरे पे देखा भी है कि ये कैसा दिखता है मुझे, मैंने जब लिया था मुझे तभी पसंद आया था। पर हाँ, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उनके लिए ये ट्राई ऑन करूँगी कि ये ऐसे हाथों से ज़्यादा मतलब मेरे पे कैसा दिख रहा है, सूट हो रहा है कि नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग ऑन मी। मतलब आई थिंक सारे ही कपड़े मेरे पे अच्छे लग रहे हैं ना, कोई डाउट ही नहीं है बिल्कुल भी। सो दिस ब्लैक ऑल्सो लुक्स वेरी गुड। बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इसका, बस ये हैंड्स थोड़े से ना थोड़े डिफरेंट है। तो ठीक है, कभी कभी ट्राई करनी चाहिए नई चीज़ें, जो मैं अभी आपको हमेशा ही कह रही हूँ कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, तो ये भी करना चाहिए। सो दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। और ये इसका पूरा टोटल लुक है, मतलब ये क्रॉप नहीं आएगा, थोड़ा सा ना ऐसे नीचे आएगा, ये ब्लैक ब्लैक सेम हो गया। तो अगर आपको इसे क्रॉप करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसे अंदर फोल्ड करके इन भी कर सकते हो। तो मैं इसे इन ही करवाऊंगी, बट दिस हाउ इट्स लुक्स। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसकी प्राइस थी 250, 300, हाँ 300 प्राइस थी इसकी। बट इसका जो फैब्रिक है ना, इट्स रियली थिक, बहुत थिक मटेरियल का है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब पहनने पे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ऐसा कुछ ना थोड़ा सा से ब्रॉड ब्रॉड सा कुछ मटेरियल पहना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ऐसे डेली वेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, जो पहला येलो दिखा है वो भी डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है। आप डेली रूटीन में पहन सकते हो, ऑफिस भी पहन के जा सकते हो येलो जो मैंने आपको दिखाया, या फिर कॉलेज पहन के जा सकते हो अगर आप कॉलेज में हो तो, फॉर ट्यूशंस क्लासेज एंड ऑल दैट स्टफ, यार जहाँ पहनना है वहाँ पे पहन लेना। बस जो पहला वाला है वो क्रॉप टॉप, वो मैं खुद बाहर नहीं पहन पाऊंगी, मेरी मम्मी मुझे चप्पल मार के फेंकेगी ज़रूर। तो उसको मुझे ना श्रग डाल के, जैकेट डाल के, या फिर तो जो पहला वाला टॉप है जैसे मैंने बताया कि अगर मैं वो पहन के गई तो मेरी मम्मी ज़रूर मुझे चप्पल मार के फेंकेंगी, और वो चप्पल पुणे तक ज़रूर आएगी। तो मैं वो चप्पल नहीं खाना चाहती हूँ, तो मैं उसको कुछ जुगाड़ करके पहनूंगी। मैं वीडियोज़ के लिए बस वो शो करती हूँ, बाकी तो यू नो गाइज हम कहाँ कहाँ क्या क्या पहन सकते हैं। और अगर इसकी बात करो तो ये तो एकदम बेसिक यार है, इसको कहीं पे भी पहन के जाओ। हाँ, आपकी कमी थी बस। मैंने सोचा था कि नाइट शूट में इतना इंटरप्शन नहीं आएगा, बट यू गाइज कैन सी आई एम फेसिंग अ लॉट। ओके, बट कॉन्टेंट तो शूट करना ही है। तो इस टॉप के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया है, दिस लुक्स वेरी 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 गुड। तो ट्राई करते हैं हमारा सेकेंड टॉप, तो वो भी होगा वाइट कलर में, तो मैं दिखाना चाहूँगी। और ऐसे टॉप्स ना यार मुझे बहुत टाइम से मतलब लेने थे, मतलब बहुत मन था मेरा। ये क्रोशेट टाइप नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है क्रोशेट टॉप से। सो दिस इज़ ऑल्सो इन येलो कलर, सो आज बहुत सारे येलो टॉप्स हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। हाँ अभी ये ठीक से दिख रहा है, तो ये ऐसा दिखता है। ये थोड़ा ना क्रोशेट टाइप्स ही है, पर उतना नहीं है जितने वो होते हैं। बहुत सॉफ्ट है, बहुत बेसिक टॉप है। आप इसे ना ब्लाउज़ के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हो, ब्लाउज हैक्स में बहुत अच्छे से काम आएगा। तो देखते हैं कि ये ऐसा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सॉरी ऐसा ज़्यादा अच्छा लग रहा है या मेरे पे अच्छा लग रहा है। तो आई बैक टू शो यू गाइस। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अच्छा दिख रहा है नो डाउट, मतलब पैटर्न बहुत अच्छा है, मैं ना अच्छे से दिखाई देती हूँ पहले। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और हाँ प्लीज़ इग्नोर दैट स्ट्रैप्स। तो ये देखो यार, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई डाउट नहीं है। बट ना ये मुझे थोड़ा सा लूज़ है, थोड़ा मतलब ना आई थिंक बहुत ज़्यादा लूज़ है। तो इससे ये ऐसा बहुत झुकेगा और फिर मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाऊँगी। सो ये थोड़ा लूज़ है, बट अगर इसके पैटर्न की बात करूँ तो दिस पैटर्न इज़ वेरी 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 सेक्सी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे ना बेसिक टॉप्स रिब्ड में ऐसे ही क्रॉप टॉप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट यार ये मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ये थोड़ा सा फैब्रिक है ना, थोड़ा सा वो लूज़ वाला है, तो आई थिंक उस वजह से। बट अदरवाइज मुझे इसे ना एक्सचेंज करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है यार, क्योंकि ये कलर वलर बहुत अच्छा है। तो बट वही जैसे मैं अभी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, वैसे मैं अनकंफर्टेबल होऊंगी। इसको बार बार ऐसे ऊपर करना पड़ेगा, कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तो
दैट इज द रीजन मैन. मतलब कभी कभी किस चीजों पे दिल आ जाता है तो उसे भी छोड़ना पड़ता है. शिट, तो मैं इसको एक्सचेंज करा के आ जाऊंगी. मैंने उनसे वैसे उनसे पूछा था कि वहां पे एक्सचेंज होता है क्या, तो उन्होंने कहा था कि हाँ इन 7 days वी एक्सचेंज, अगर आपको उसके बदले और कुछ लेके जाना है तो लेके जा सकते हो. वील मूव टू अवर नेक्स्ट टॉप विच इज सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉप. करने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि यार ना कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए बस एक चीज चाहिए, आपके पास अच्छा मोबाइल हो ना हो, और कुछ होना हो, शांत जगह चाहिए. और मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है अभी, मतलब इधर उधर से इतने ज़्यादा आवाज़ आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ. ठीक है, सो इग्नोर करते हुए मैं वो वीडियो में जो होता है सेटिंग में उसे ट्राई करूँगी रिमूव करने का. सो ओके, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉप विच इज़ अ शॉर्ट कुर्ती. देखो ये इतना ज़्यादा मैसी है ना. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉप विच इज़ अ शॉर्ट कुर्ती. और मुझे वो पहली नज़र में इतनी अच्छी लगी थी, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, ऐसा था उसका. सो वो भी यार येलो कलर में है. प्लीज़ हाँ जज नहीं करना, सारा का सारा येलो कलर में आज आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज गोइंग टू दिस इज गोइंग टू बी अ येलो सॉर्ट ऑफ हॉल. मतलब बहुत सारा येलो है इसमें. सो आई विल शो यू हाउ दैट कुर्ती लुक्स. बहुत ज़्यादा क्यूट है, ऑफिस के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो दिस इज़ द कुर्ती. ये कुछ ऐसी दिखती है, मतलब पास से तो बहुत अच्छा दिखेगा. और ये शॉर्ट है और इसका पैटर्न ऊपर से ऐसा है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. आई डोंट नो ये मुझे फिटिंग में आएगी कि नहीं, बट इसका कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था, इतना ज़्यादा कि मतलब उसमें यहाँ पे ना बहुत सारे कलर्स थे, मतलब 20 to 25 कलर्स थे, बट उसमें से यही बहुत अच्छे से निकल के आ रहा था. तो मैं दिखाना चाहूँगी कि ये ऐसे से ज़्यादा मेरे पे कैसा सूट कर रहा है. सो आई विल बैक टू शो यू हाउ इट लुक्स ऑन मी फाइनली. सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग ऑन मी. तो मैं पहले दिखा देना चाहती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है. सो मैं खड़ी हो ही जाती हूँ. सो इसकी लेंथ इतनी है, आधी दिख रही हूँ आई नो, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है. तो मैं दिखा देना चाहती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है. अच्छा दिख रहा है, मतलब ऑफिस के लिए तो बहुत ही सही है. मतलब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. बहुत मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है, कलर भी बहुत अच्छा है, पैटर्न भी बहुत अच्छा है. तो ऐसी चीज़ें ऑफिस में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरे पास ऐसी चीज़ों की बहुत कमी है. तो थैंक गॉड कि मैंने लिया. बट द थिंग इज़ कि मेरे पे लूज़ है. अब मैंने ना ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा अंदर इन करके आपको दिखाया है, क्योंकि अगर मैं वैसा दिखाती तो वो कुछ दिखने ही नहीं वाला था अच्छे से. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और इसके अगर प्राइस की बात करूँ तो दिस इज़ जस्ट फॉर 300 rupees. और ये जो पहला वाला, इसकी स्क्रीन पे मैंने प्राइस लगाई थी होगी ऑलरेडी, बट दिस इज़ फॉर 250. तो अच्छा है, मैं उसे एक्सचेंज करा के लाऊंगी. अगर देखती हूँ मैं इसको, अगर फिटिंग होती है ऑल्टर करा के ये ठीक होता है तो इट्स ओके, अदरवाइज आई एक्सचेंज दिस एज वेल. तो मुझे लगता है ना कि ये बांधने के टाइम पे ना मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि वो कैसे टाइप करना है. कोई हेल्प करने के लिए भी है ही नहीं. तो मैंने जैसे तैसे आप लोगों को बस ये शो करने के लिए दिखाया कि हाउ इट लुक्स. सो या बस देख लो, इसका पैटर्न थोड़ा ना डिफरेंट है, ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही दिखता है. तो मतलब इसका पैटर्न थोड़ा सा ऐसे नीचे करके, फिर ये ऐसे नीचे जाएगा, फिर ये ऐसे नीचे जाएगा, और फिर ये कुछ ऐसे दिखेगा. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉप विच इज इन रेड कलर, जैसे मैंने पहले बता दिया है. सो दिस इज द टॉप विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज द टॉप. इसमें ना मैक्स लिखा है, कौन से मैक्स है मुझे नहीं पता. सो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक है. आप इसे कहीं पे भी पहन के जा सकते हो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ. और मैं ऐसी ही चीज़ें ढूंढती हूँ कि आप भी कंफर्टेबल हो पहनने में इधर उधर, और मैं भी खुद कंफर्टेबल हो के घूम सकूँ. नहीं तो वो जो येलो टॉप जिस थोड़ा सा मुझे ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो ऐसे कपड़े पहन के आप अगर कहीं जाओगे तो मतलब आप सोचो यार, आप खुद कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप एंजॉय क्या करोगे और आपका किसी चीज़ में मन कैसे लगेगा. सो जो ऑफिस में कुछ ऐसा पहन के बैठे और आपको इधर उधर से कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप काम कैसे करोगे. तो बेटर ये है कि अगर मतलब जो कंफर्टेबल लगता है वो पहन के जाओ, अदरवाइज पार्टी वार्टी करनी है तो कुछ भी पहन के जाओ, कौन ही जज करने वाला है वैसे. तो अब देखते हैं कि ये ऐसा ज़्यादा अच्छा लग रहा है या मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगेगा. होश में रहूं क्यों आज मैं, तो मेरी बाहों में सिमटी है मुझ में समाई.
सो मैं गाना इसीलिए गा रही थी क्योंकि ये टॉप पहनने के बाद मुझे बस वही मूवी सॉरी वही सॉन्ग याद आया, प्राची देसाई वाला। तो उसमें ना वो बॉबे प्रिंट वाला ब्लैक कलर का ऐसे लेस वाला टॉप होता है, बट मुझे पहनने के बाद आई डोंट नो व्हाई वही एक टॉप याद आया। सो प्लीज इग्नोर माय वॉइस, ऐसे फन के लिए गा रही थी यार। तो बट दिस इज लुकिंग वेरी 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 गुड। इसकी अगर प्राइस की बात करूँ सो दिस इज जस्ट फॉर पे 100 रुपीज, तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल शॉपिंग हुई है मेरी। तो मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग यार, लुक तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरे पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा मैंने इसे पीछे से ऐसे नीचे नहीं किया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग ऑन मी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आई नो, बट मुझे पता नहीं यहाँ से हल्का लूज है बिल्कुल, मतलब ऐसा एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज़्यादा लूज। इतनी ज़्यादा सस्ती चीज़ें हैं उस मार्केट में कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब हार्डली 1000 तक चीज़ें होगी, बट हाँ आप बार्गेन करके, अगर कोई बार्गेनिंग में एक्सपर्ट है तो यू गाइज कैन बार्गेन विद द शॉपकीपर्स। ये ज़रूर इसका ना नारियल फूटने वाला है अच्छा खासा मेरे हाथों से, तो आप आ जाके ले सकते हो, मेरी बार्गेनिंग स्किल्स बिल्कुल ही अंडा है। या दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, एंड आई एम सॉरी अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है बिकॉज मैंने इसमें बहुत सारे क्लिप्स इधर उधर से ऐड करके बहुत कुछ पोस्ट किया है, तो फॉर श्योर कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होगा, बट आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसे वीडियोस पसंद है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना बहुत सारे लोगों को, और क्या कुछ नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।